हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। इस गणेश चतुर्थी में आपके लिए लेके आए बेसन और सूजी के दानेदार लड्डू। इनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट बन जाते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया है। इसी कटोरी से हम सारा मेजरमेंट करेंगे। इसी कटोरी से एक कटोरी हमने सूजी लिया है। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। कम ज़्यादा हो तो आप बाद में ले सकते हैं। अब हम इनको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा घी हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि घी कम है। हमारी सूजी मोटी थी इस वजह से हमने घी और लिया है। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, हमारी मुट्ठी भी बनने लगी है और ये बिखर नहीं रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि हमारे मोयन परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सख्त आटा लगा लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारे आटे को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे और इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। इनको रखते जाएंगे एक एक करके। इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी मुठिया बनके रेडी है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके मुठिया डालते जाएंगे। इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे, उसके बाद हम इसको चलाएंगे, वरना अभी चलाएंगे तो ये फूट जाएंगे। इसको फ्राई होते हुए थोड़ी देर हो चुके हैं। अब हम इसको एक एक करके पलट लेंगे। इनको हम हल्के हाथों से पलटेंगे। इसको हम धीमी आंच में ही फ्राई करेंगे, वरना ये हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, हमारी मुठिया गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी मुठिया फ्राई हो चुकी हैं। हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। ये देखिए, हमने छोटे छोटे मुठिया के पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसको बारीक पीस लिया है और हमारा कितना दानेदार टेक्स्चर आया है हमारे मिक्सचर का। अब हम चल के चाशनी बना लेंगे। ये देखिए, हमने जिस कटोरी से एक कटोरी सूजी ली थी और बेसन लिया था, उसी कटोरी से हम एक कटोरी चीनी भी लेंगे। उसी एक कटोरी से पानी लेंगे। ये देखिए, हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल आप चाहें तो लें वरना ना लें। इसको हम हल्का फ्राई कर लेंगे। हम इसको हल्का ही फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा फ्राई हो चुका है मेवा। ये देखिए, हमने चाशनी को भी गैस पे चढ़ा दिया है। हमें इसकी तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस ये हल्की चिपचिपी हो जाए, बस यहीं तक पकाना है इसको हमें। ये देखिए, हमारी चाशनी बिल्कुल पक चुकी है और ये हल्की चिपचिपी हो चुकी है। चाशनी को हम हल्का ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है। ये देखिए, हमने मिक्सर ले लिया है। अब हम इसमें मेवे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चाशनी ऐड करेंगे। अभी इसमें थोड़ी चाशनी कम है, इसमें चाशनी हम और ऐड करेंगे।
हमने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए हमारे लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप भी ज़रूर बनाएं इस गणेश चतुर्थी अपने गणपति बापा के लिए बेसन और सूजी के दानेदार लड्डू। और ये बहुत झटपट बन जाते हैं, इनको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपके लड्डू कभी भी ख़राब नहीं बनेंगे, एकदम परफेक्ट लड्डू बनेंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।